ओम नमो नारायण। मैं अरुणाबेन पी गोस्वामी सूरत से आपका स्वागत करती हूँ अरुष किचन हिंदी में। आज हम बनाएंगे मूली के पराठे। मूली के पराठे बनाने के लिए ये हमने 3 मूली ली है और 2 कप हमने आटा लिया है गेहूं का। ये जो हम रोटी बनाते हैं वही आटा है। थोड़ा सा हमने हरा धनिया लिया है। नमक चाहिए हमें स्वाद अनुसार। थोड़ी सी हमने हल्दी ली है और 2 हमने हरी मिर्च काट लिया है इस तरह से। आधा चम्मच हमने धनिया जीरा पाउडर लिया है। थोड़ी सी हमने हींग ली है और आधा चम्मच हमने अजवाइन ली है। तेल चाहिए हमें और पानी चाहिए। तो पहले हम ये जो मूली है इसको हम ऊपर से छिलका निकाल देंगे। तो ये ऊपर का छिलका हम निकाल देंगे पूरा और इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। ये मूली का हमने छिलका निकाल लिया है। अब इसको हम कद्दूकस करेंगे। इससे इस तरह से हम पूरा कर लेंगे 3 मूली को। ये हमने मूली को कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें से हम थोड़ा सा पानी निकाल लेंगे क्योंकि फिर ये अपना स्टफिंग है वो ज़्यादा गीला हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से दबा के निकाल लेंगे। तो इसको हम दूसरे बर्तन में डाल देंगे इस तरह से। जो भी पानी निकलेगा हम निकाल लेंगे। आप कपड़े में डाल के भी निकाल सकते हैं लेकिन मैं हाथों से ही निकालती हूँ। तो सब हम ऐसे ही निकाल लेंगे पानी। ये हमने सब पानी इसमें से निकाल लिया है और ये पानी हम आटा लगाने में डाल देंगे। तो अब हम आटा लगाएंगे। तो इसमें आटा पहले हम छान लेंगे। आटा हमने छान लिया है तो इसमें हम नमक डालेंगे और थोड़ी सी हम अजवाइन डालेंगे। आधी हम मूली में डालेंगे, थोड़ी सी इसमें डालेंगे ऐसे क्रश करके और थोड़ा सा हम इसमें तेल डालेंगे 3-4 चम्मच जितना। अब ये जो मूली का पानी है वो हम इसमें डाल देंगे। और इनको मिक्स कर लेंगे। ये हमने 1 कप पानी लिया है, ज़रूरत के हिसाब से डाल के हम आटा लगाएंगे। और हम स्टफिंग वाला परोठा बनाते हैं तो उसका आटा हमेशा थोड़ा नरम रखना है क्योंकि बेलने में इजी रहता है। ज़्यादा कड़क आटा होगा तो आप अच्छे से बेल नहीं पाओगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे हम। तो इसमें हमें 1 कप पानी लगा है। ऐसे ही नरम लगाना। इसको हम इकट्ठा कर देंगे। ऐसे
इसके ऊपर थोड़ा सा हम तेल लगाएंगे। अब इसको हम थोड़ी देर रेस्ट कराएंगे तो एकदम सेट हो जाएगा आटा अपना, 8 से 10 मिनट। ये आटा अपना सेट हो रहा है तब तक हम स्टफिंग बना लेंगे। तो इसमें हम सब मसाला डाल देंगे। तो हरी मिर्च डालेंगे, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं तीखा। और ये अजवाइन डाल देंगे हाथ से थोड़ा क्रश करके। और ये हींग डाल देंगे और हल्दी और धनिया जीरा पाउडर। और ये हम हरा धनिया डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरह हम मिला लेंगे। और इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, क्योंकि आटे में भी हमने डाला है तो इसके हिसाब से ही डालना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह। ऐसा स्टफिंग चाहिए हमें। अब इसको हम आटा को देख लेंगे, थोड़ा मसल लेंगे। एकदम अच्छा सेट हो गया है आटा। पहले हम गैस चालू कर देंगे तो तवी अपनी गर्म हो जाएगी। अब इसमें से हम बनाएंगे। ये हमने सूखा आटा लिया है तो इसमें हम आटा ऐसे लेंगे, थोड़ा से जीरा दे लेंगे, इसको गोल करेंगे इस तरह से। और इसके हम रोटी बेल लेंगे थोड़ी। इस तरह से ऐसे। अब इसमें हम ये स्टफिंग डालेंगे। इस तरह गैस हम कम कर देंगे। अब इसको हम फोल्ड करेंगे इस तरह से। ऐसे फिर एक्स्ट्रा आटा जो है वो हम थोड़ा निकाल लेंगे। इस तरह अब इसको हम ये सूखे आटे लगाएंगे इसमें इस तरह। और हाथ से थोड़ा इसे दबा देंगे। जितना हो सके उतना। अब इसको हम बेलेंगे तो एक बार और आटा लगाएंगे और इसको बेल लेंगे एकदम हल्के हाथ से। जितना हो सके हाथ से आप कर सकते हैं।
इसका पानी बहुत होता है मूली का। हमने इतना सारा पानी निकाल दिया फिर भी इसमें पानी तो होता ही है। सूखा आटा इसमें थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ता है। इसको हम थोड़ा मोटा ही रखेंगे। अब इसको हम सेक लेंगे। एक साइड सीख जाएगा तो हम इसको पलटा लेंगे। अब इसको हम दूसरी साइड पलटा लेंगे। अब इसमें हम तेल डालेंगे। आप घी में भी बना सकते हैं और तेल में भी बना सकते हैं। तो दोनों साइड हम सेक लेंगे इसको। अब इसको हम पलटा लेंगे दूसरी साइड। इस तरह से अच्छे से सीखना चाहिए। इस तरह दोनों साइड सेकना है अच्छे से। अब इसको हम निकाल लेंगे। तो सब पराठे हम इस तरह से बना लेंगे। तैयार है अपने मूली के पराठे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना। कमेंट करके कहना आपको कैसे लगे ये मूली के पराठे।